बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें ज़ाते पाक की जिसने ये कना तख्लीक़ की। दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर, जिनकी वजह से ये कना तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की हम बात करेंगे जस्टिस काज़ी फैसला की। जिस तरह से कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपने जो एक दिया गया मुतनाज़ा डिसीजन था, उस डिसीजन को क्या किया, वापस लिया। और इस डिसीजन के बाद बहुत से जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि अब काजी ने अपना डिसीजन जो है वो वापस ले लिया है। इसके बाद सैयद ज़ैतून शाह साहब भी अपनी जो दी गई स्टेटमेंट थी वो वापस ले लेंगे। अब इसमें कितनी सदाकत है ये आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगा। इसके साथ साथ कुछ कल के मनाजिर भी आप इस वीडियो के अंदर मुलाहिदा फरमा सकेंगे, देख सकेंगे, जिसमें कारकुनान के जो जज्बात थे वो बड़े हैवी थे। तो आइए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इस पर बाद में बात करते हैं। ये भाई हैं जी, घर से लंगर लेके आ गए हैं, चावल बनवा के देख लें आप। दाढ़ी मुन्ना बंद है, बिल्कुल कोई गरीब सा है, आप देख लें इसको। लेकिन इसका जज्बा है कि लोग खत्म नबूवत के लिए आए हुए हैं, तो ये सबको ये थे वो मनाज़र जो आप लोगों ने मुलाहिज़ा फरमाया। और आपने देखा कि जिसमें जो वहां पर आए हुए लोग थे और एक इंतहाई गरीब सा शख्स, यानी उसकी जहरी हालत तो गरीब लगती थी लेकिन उसकी जो ईमानी हालत थी वो इंतहाई अमीर थी, उसका जो जज्बा था वो अमीर था। और उसने जो ये कारनामा सर अंजाम दिया, इसका जो अजर है वो इसे अल्लाह पाक ही देंगे। इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी ताकत जो इनको इस चीज़ का अजर नहीं दे सकती। जब ये जज्बात हों किसी के, तो इन जज्बों को दुनिया की कोई भी जो ताकत है वो हरा नहीं सकती, वो शिकस्त नहीं दे सकती। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की इतनी मौजूदगी के अंदर बिला खौफ व ख़तर लोगों के जज्बात देख कर ऐसा महसूस होता है कि जब आपका इतना जज्बा हो उस वक्त आपको दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो हरा नहीं सकती। और इस लंगर तकसीम करने वाले भाई को भी सलाम, और जितने कल कारकुन गए, लीडरशिप गई, उन सबको सलाम। फिर जिन्होंने घर में बैठकर दुआएं की, और इसके साथ साथ जिन्होंने वहाँ बिलखसूस इस्लामाबाद के वो मकामी बहन भाई जिन्होंने इस लंगर में हिस्सा लिया और जो लंगर था इन लोगों तक पहुंचाया, उनको भी सलाम। अब चलते हैं नाज़रीन अपने मेन टॉपिक की जानिब कि बहुत से लोग हैं वो अब ये बात कह रहे हैं, कर रहे हैं कि जस्टिस काज़ी फैसल साहब ने अपना जो डिसीजन है वो वापस ले लिया। यानी जो गलतियां हैं, इंसान एक ऐसे समझे कि गलती हो जाती है इंसान से, और इसमें कोई ऐसे समझे कि बुरी बात नहीं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जब काजी ने डिसीजन वापस ले लिया है तो अब जो है वो सैयद ज़हीर रतन शाह साहब की जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी थी काजी के अंगेंस्ट, वो वापस लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और बहुत जल्द जो है उनका एक वीडियो मैसेज वो सारी कौम के सामने आ जाएगा, जिसमें जो उन्होंने अल्फाज बोले थे, कहे थे, वो अपने अल्फाज वापस ले लेंगे। ये बहुत से लोग राय दे रहे हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये सच्चाई तहरीक लबैक पाकिस्तान का मरकज ही जानता है, ये सच्चाई सैयद ज़हीर हसन शाह साहब भी जानते हैं। बाकी इसके अलावा इस हवाले से, इस इंफॉर्मेशन के हवाले से, इस सच्चाई के हवाले से किसी को किसी किस्म का कोई इल्म नहीं। क्या वाकई सैयद ज़हीर हसन शाह साहब जो हैं वो अपना बयान वापस ले लेंगे,
ये कोई नहीं जानता। हाँ, जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं, मे भी किसी को किसी ने ये बात की हो कि सैयद जितन शाह साहब जो हैं वो वापस बयान ले लेंगे, लेकिन जो मेरा अपना एक ज़ाती एक ऐसे समझे कि तज़िया वो ये है कि हो सकता है कि सैयद जहीरुद्दीन शाह साहब अपना स्टेटमेंट वापस ले ले, क्योंकि जो मामला लटका हुआ था, जो अटका हुआ था, वो रिजॉल्व हो गया है। और एक बंदे को जब उसकी गलती का एहसास हो गया है तो उस और फिर उसने माफ़ी भी मांग ली है कि मुझसे वाकई गलती हुई है, कोताही हुई है और मैं एक इंसान हूँ और इस बात पर मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दें, तो इस पर फिर माफ़ कर देने में कोई जो है ना वो रुकावट नहीं होनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि खुले दिल से माफ़ कर देना चाहिए। और अगर सैयद जितन शाह साहब अपने वो स्टेटमेंट वापस ले लेते हैं तो इससे मज़ीद उनकी इज्जत में, उनके वक़ार में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। जिस तरह से उन्होंने एक स्टेटमेंट, एक बयान देकर पूरी कौम को जगा दिया था, अब अगर वो वापस ले लेते हैं जो काम वो करवाना चाहते थे, यानी वो डिसीजन वापस दिलवाना चाहते थे, वो चीज़ तो अब हो गई है। और वो वापस अगर ले लेंगे तो इससे उनके ऊपर किसी किस्म का कोई टैग या कोई जो लेबल है वो किसी की जरूरत नहीं है लगाने की, बल्कि उनको लोग मज़ीद सलाम पेश करेंगे। और उनका ये कारनामा जो डिसीजन वापस लेने का सबब बना है, इसको हमेशा तारीख के अंदर, हिस्ट्री के अंदर जिंदा रखा जाएगा और तारीख हमेशा इनको खराज तहसीन पेश करती रहेगी। बाकी वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो तहरीक लबैक पाकिस्तान की शूरा का क़ियादत का अपना डिसीजन होगा कि वो वापस लेते हैं या नहीं लेते। बाकी हर बंदे का अपना अपना एक एनालिसिस होता है, तज़िया होता है कि वो इस हवाले से अपना क्या कुछ बयान करते हैं, पेश करते हैं। अगर क्या सैयद जितन शाह साहब वापस ले लेंगे तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? मे भी हो सकता है कि जब वो अपना स्टेटमेंट ही वापस ले लें तो छुप पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इस चीज़ को हाईलाइट करेगा और वो कहेगा कि नायब अमीर ने अपना जो बयान था, अपनी जो स्टेटमेंट थी, मसला रिजाल होने के बाद, हल होने के बाद उन्होंने वापस ले लिया है, लिहाजा इनके खिलाफ अब किसी किस्म की कोई जो है वो कार्रवाई नहीं बनती। तो इस तरह ये मामला जो है यहाँ पर ही ऐसे समझें कि हल तो हो गया है और मज़ीद भी किसी किस्म की कोई रुकावट खड़ी नहीं होगी। अब जो काजी फैज साहब ने दिया वो उन्होंने आइन, शरीयत और कानून के मुताबिक डिसीजन लिया, और जो सैयद जहीरुद्दीन शाह साहब ने स्टेटमेंट जारी की थी वो उनका एक ईमानी तकाजा था और उन्होंने उस हवाले से दी थी। अब ऐसे समझे कि काजी साहब के इस डिसीजन के बाद अगर वो वापस ले लेते हैं तो इस मज़ीद जो है ना सैयद जहीरुद्दीन शाह साहब की इज्जत में इजाफा होगा, क्योंकि जो वो काम करवाना चाहते थे वो काम हो गया। बाकी लोगों का आप बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम है नेगेटिविटी को परवान चढ़ाना, तहरीक लबैक पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपागंडा करना कि हम किसी भी तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान को बदनाम करें, वो ये मौका हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देते, बिल्कुल भी। बहुत से लोग हैं जिनको तकलीफ़ होती है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान इतनी सक्सेस बगैर लाशें अपनी गिराए या गिरवाए। आपने देखा था कि माजी के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान की कितनी लाशें गिराई गई थी, उसके बाद एग्रीमेंट हुए थे और उन एग्रीमेंट के ऊपर जो इम्प्लीमेंट था, जो अमल दरामद था, वो फिर भी आज तक 100% ना कुछ हुआ तो था, लेकिन 100% ना हो सका, लेकिन इस डिसीजन में अगर अमल दरामद हो चुका है तो इससे बहुत से लोगों को तकलीफ भी होगी और वो प्रोपेगंडे भी करेंगे। तो इन तमाम प्रोपेगंडोस को मुस्तरद करना है और इस नेगेटिविटी को आप लोगों ने क्या करना है, सब्र तहमुल के साथ फेस करना है, बल्कि इसके खिलाफ अपना जो बयानिया है, अपने जो इलामिया है वो भी यानी पेश करना है, बताना है लोगों को, ताकि आपके जो मुखालफीन हैं वो ऐसे समझे कि मजीद जलील और रुसवा हूँ, और उनको बताया जाए कि जो तहरीक किसी भी काम के लिए बाहर निकलती है तो वो काम करके दिखाती है।
ये तीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गया, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।